तो अभी हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस 2013 से लेके 2021 तक के हैं। इट मींस नीट स्टार्ट हुआ 2013 में और खत्म हुआ अभी खत्म तो नहीं हुआ, आई एम सॉरी, 2022 में हम बैठे हुए हैं। 21 तक के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। 1D और 2D मिला के एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो ये तुम्हें आराम से 8 मार्क्स दे सकता है। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ, यू कांट अवॉइड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इससे आप बच नहीं सकते। और कुछ बहुत ही बढ़िया बेसिक मैथमेटिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं। डिफरेंशिएशन में जो हम लोग जनरली सोचते हैं कि शायद क्वेश्चंस चेन रूल से नहीं आएंगे, लेकिन इस बार चेन रूल का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, जो थोड़ा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन उठाता हूं मैं 2013 से। स्क्रीन पे आप देखो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कम्स H1, H2, H3 इन फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट फिफ्थ सेकंड। तो मैंने अपने लेक्चर में फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस निकलवाया है और मैंने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड इस तरह से भी निकलवाया है। तो अब अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तो आंसर वही रहेगा। यानी अगर मैं देखूं तो H1:H2, H3:1:3:5 आएगा, बट और इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो H2 आएगा 3H1, H3 आएगा, अभी मैं डिटेल भी सॉल्व कर दूंगा बिकॉज कम क्वेश्चन है तो टाइम है अपने पास, 5H1। तो यहां से H1 कैन बी रिटन एज H2/3 फ्रॉम हियर, एंड फ्रॉम हियर यू में राइट H1:H3/5। सो H1 इक्वल होगा H2/3 के और दैट इज इक्वल टू H3/5 के। सो यहां से फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं कर देता हूं, ये है, दिस शुड बी द आंसर। चलो मैं इसको डिराइव कर देता हूं। मान लो मेरे पास ये है, मैंने इंटरवल लिया फ्री फॉल का, ये है फर्स्ट 5 सेकंड का ट्रेवल, ये है 10 सेकंड का ट्रेवल और सपोज करो ये है 15 सेकंड का ट्रेवल। तो जो फर्स्ट 5 होगा, फर्स्ट फाइव ये होगा 0, माइनस हटा दे रहा हूं, चलो लिख ही देता हूं, हाफ GT स्क्वायर, फ्री फॉल है, H2/5 फिफ्थ सेकेंड का होगा, ये होगा हाफ, माइनस हटा देता हूं यार, बार बार आदत पड़ी हुई है बिकॉज अच्छी आदत है ये, माइनस हाफ जी 10 का स्क्वायर और ओवरऑल माइनस है ये, लेकिन चलो मैं हटा ही देता हूं माइनस को, माइनस हाफ जी 5 का स्क्वायर, बिकॉज ये फिफ्थ सेकेंड तो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, तो इसको सॉल्व किया जाए तो हाफ जी कॉमन आ जाएगा, 10^2 - 5^2, थोड़ा और स्मार्टनेस लगाओ तो हाफ जी 5^2 भी कॉमन आएगा, बिकॉज 10 कैन बी रिटन एज 5 × 2, तो 2 का स्क्वायर बचेगा -1 विच विल बी 3, तो बॉक्स में 3 आ जाएगा, तो हाफ जी 5 × 3 फ्रॉम हियर यू मे राइट इट इज दिस वन वॉज H1, दिस इज H2, तो ये 3 × H1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली H3 अगर लिखना हो तो 15 सेकेंड में से 10 सेकेंड तक का डिस्टेंस माइनस करो और वो आएगा हाफ जी 15 का स्क्वायर माइनस हाफ जी 10 का स्क्वायर और यहां से आंसर आ जाएगा 5 × H1। तो ये मैंने पूरा प्रॉपर बता दिया, बट अगर इक्वल इंटरवल हो और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 1:5, 3:5, 7:9, 2n-1:2 तक का रिलेशन आता है, 1, 2, 3, 4 तो रिलेशन आता है 1:2, 2:3, 4:2, ये तब है जब फ्री फॉल का केस होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन नीट 2015 का है और बेहद काफी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, 14 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस।
बी एन एन कॉन्स्टेंट है, एक्स इज पोजिशन, एक्सेलरेशन बताना है। तो वेलासिटी अगर दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, बट टाइम का फंक्शन नहीं है, द प्रॉब्लम इज दिस ओनली। बट डोंट वरी, वी हैव टू डिफरेंशिएट, टिपिकल डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन है एंड गुड डिफरेंशिएशन है, इजी नहीं है। कॉन्स्टेंट बाहर किया, एक्स टू दी पावर माइनस टू एन, तो पावर बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे बेसिक रूल से पावर माइनस वन, बट एक्स के डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो आप, डिफरेंशिएट करो टी से, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग डीएक्स बाई डी टी लिखना होगा। एंड दिस डीएक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डीएक्स बाई डी टी। तो अब ये हो गया एक्सेलरेशन, माइनस टू बी एन, एक्स टू दी पावर माइनस टू एन माइनस वन इंटू वेलोसिटी। अब जरा वेलोसिटी की वैल्यू रख लेते हैं, वेलोसिटी इज गिवेन एज बी एक्स टू दी पावर माइनस टू एन, सो माइनस टू बी एन एक्स टू दी पावर माइनस टू एन माइनस वन, और वेलोसिटी है बी एक्स टू दी पावर माइनस टू एन। अब मल्टीप्लाई कर दो तो टू बी स्क्वायर एन, पावर एड हो जाते हैं अगर बेस सेम होता है तो माइनस फोर एन माइनस वन, सो दिस वुड बी द आंसर। और वो आंसर होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन 2016 का है, ये भी थोड़ा सा मैथमेटिकल है। टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एट सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड एट दिस एंड दिस, एट वॉट टाइम दे हैव सेम वेलासिटीज। तो बेटा वेलासिटी ऑफ पी होगा डी एक्स पी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो टी का डिफरेंशिएशन वन और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, सो इट इज ए प्लस टू टी बी। क्यू की वेलोसिटी डी एक्स क्यूब अपॉन डी टी, इट इज एफ टी का डिफरेंशिएशन वन और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, सो इट इज एफ माइनस टू टी। ये वन है ये टू है, किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, तो दोनों को इक्वल कर लो, टाइम अपने आप आ जाएगा, ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। तो माइनस वाला इधर ले आओ तो टू टी इधर हो जाएगा, प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए, यहां से टू कॉमन ले लो, टू टी कॉमन ले लो, तो वन प्लस बी एफ माइनस ए। ये दिस वन इज द राइट आंसर। तो ये किसमें है, एफ माइनस ए अपॉन टू, डी इज द राइट आंसर। मैं कोशिश करता हूं बेस्ट पॉसिबल मेथड से सोल्यूशन दू, आई बिलीव दैट इससे इजी मेथड नहीं हो सकता, इफ यू हैव सो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है और इसको ट्विस्ट करके दो तीन तरीके का क्वेश्चन बनते हैं, और पिछले सालों में उन सारे तरीकों के क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग, सी वॉकड अप द एस्केलेटर इन टाइम टी वन, यानी वो अपने स्पीड से गई। मैं जनरली अपना स्पीड, रिवर का स्पीड, इन सब और एस्केलेटर अपने को यू लिखता हूं, रिवर या एस्केलेटर को वी बोलता हूं, मेरे लेक्चर में देख सकते हो। ऑन अदर डे सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, वो रुक गई और एस्केलेटर उसे ले गया। टी टू टाइम, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन मूविंग एक्सेलरेटर, यानी उसकी स्पीड और एक्सेलेटर की जुड़ जाएगी तब कितना टाइम लगेगा। तो चलो देखते हैं पहला केस, टी वन टाइम लगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो खुद चली, यहां से यू आ जाएगा डी बाई टी वन, ऐसे सॉल्व करना होता है, रटा हुआ है मुझे। सेकेंड केस, यू उसकी स्पीड है, एस्केलेटर की स्पीड वी है, जब वो वी से चली तो टी टू, तो V आ गया D बाई टी टू, जब एस्केलेटर भी चल रहा वो भी चल रही है तो ऐड हो जाएगी स्पीड, सेम डायरेक्शन में चल रही है तो मैं एस्केलेटर पे चलते हो और एस्केलेटर भी तुम्हें ले चलता है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तुम तेजी से आगे बढ़ते हो, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से आप लिख सकते हो टी थ्री टाइम में लगेगा उसे डी अपॉन यू प्लस वी, डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो यू प्लस वी इज इक्वल टू डी अपॉन टी थ्री। ये हो गया थर्ड, जरा ऐड कर लेते हैं,
फ्रॉम वन एंड टू, तो डी बाई टी वन, डी अपॉन टी टू, डी अपॉन टी थ्री। तो यहां से एलसीएम ले लो टी वन टी टू का, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू वन बाई टी थ्री। सो टी थ्री इज इक्वल टू टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, ये हो गया। तो ये आंसर किसमें है, किसमें सी शुड बी द राइट आंसर। अब चलो 18 पे पहुंचते हैं। स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर, ऑलमोस्ट वही कुछ लग रहा है मुझे, 20 मीटर पर सेकंड, रिवर 10 मीटर पर सेकंड, नहीं डिफरेंट है, ड्यू ईस्ट। तो ये कर लेते हैं नॉर्थ, ये कर लेते हैं साउथ, ये कर लेते हैं ईस्ट, ये कर लेते हैं वेस्ट। ये वी रिवर की स्पीड है। ट्वेंटी यू इज गिवन एज 20, वी इज गिवन एज 10, तो यू की स्पीड ज्यादा है 10, तो वो सीधे भी जा सकता है, तो वो सीधे भी जा सकता है, यू इज ग्रेटर देन वी। शॉर्टेस्ट पाथ होता है सीधे जाना, सीधे जाना, और तभी पॉसिबल है जब यू ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू वाला भी केस नहीं लगता, मैं पढ़ा चुका हूं, ग्रेटर देन वाला ही केस लगेगा। अब कह रहा है कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो किस एंगल पे जाना चाहिए? तो मैं बोलूंगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर, यानी ये एंगल पूछा गया है, इतने से चलेगा, यू है इसकी स्पीड, सॉरी, तो ये वाला एंगल वेलोसिटी का कंपोनेंट हुआ यू साइन थीटा। ये अगर वी के बराबर हुआ तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेट ये दिखेगा, तो v शुड बी u साइन थीटा, यानी बंदे की स्पीड पीछे जितनी है रिवर उतना आगे कर दे। तो v इज गिवन एज 10, u इज गिवन एज 20 साइन थीटा, सो साइन थीटा इज हाफ, थीटा इज 30 डिग्री। अब ये ऊपर जाएगा u cos थीटा से। तो कई बार तुमसे कोई पूछे 30 डिग्री शुड बी द आंसर, 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, तो 30 डिग्री वेस्ट है ये, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ना, नॉर्थ ये है, इससे 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। अब तुमसे कोई पूछे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस, तो डी विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन यू कॉस थीटा, डी पता होगा, यू पता है ही, और थीटा भी पता चल गया, सो यू कैन गेट इट। क्वेश्चन नंबर 20th, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी 80 हाइट ऑफ द टावर। इससे आसान क्या लोगे जिंदगी में, कुछ मिलता है? यहां से हमने फेंका यू से, ये टकराया वी से, तो माइनस वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर माइनस टू जी, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच बन गया। वी है 80, यू है 20, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही करना है, 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, सो a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच, सो ये हो गया 60, ये हो गया 100 अपॉन 20 ले आता हूं इज इक्वल टू h, ये 3 टाइम्स, सो h इज 300 मीटर, 300 मीटर शुड बी द आंसर इफ यू कंसीडर जी एज 10। कुछ और करोगे 9.8 तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये 2021 में आया यार, कब आया? 2021 में। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल एंड टी माइनस एन माइनस वन टू टी एन इज इक्वल टू एन। यही होता है वैसे, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, चाहे फ्रिक्शन है तब भी, नहीं है तब भी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस हो गया ये। एस एन हमेशा होता है एस एन माइनस वन, और इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं अपनी क्लासेस पे, होता है यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो एस एन तो ये हो गया, यू जीरो है, अब स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन इन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये भी क्लियर है, तो यू जीरो हो गया, हाफ ए टू एन माइनस वन,
अब लिख लेते हैं एस एन प्लस वन, तो यू जीरो हाफ ए टू एन की जगह पे एन प्लस वन माइनस वन, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हाफ ए टू एन प्लस टू माइनस वन, तो ये हो जाता है हाफ ए टू एन प्लस वन। सो एस एन अपॉन एस एन प्लस वन इज इक्वल टू हाफ ए टू एन माइनस वन हाफ ए टू एन प्लस वन। सो आंसर इज ये एनटीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीएससी यानी जो टेंथ लेवल का एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन आया हुआ है। सो दैट्स ऑल, यही इतना था। तो पीवाईक्यूज पूरा कंप्लीट करा दूंगा नीट का अगले कुछ दिनों में, हर दिन एक एक टॉपिक आपको मिलेगा। इट विल ऑलवेज बी बेटर इफ यू कीप कनेक्टेड विद मी एंड कीप कमेंटिंग एंड हैविंग यू नो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप स्टडिंग। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।